तो भाई कल के दिन ना क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ। एक चीज ऐसी हुई जिसे सुन के कसम से इतना गुस्सा आया, दिल करा कि भैया छत से जाके कूद जाऊं। और दूसरी चीज ऐसी हुई जिसे सुन के कसम से भैया दिल एकदम खुश हो गया। अब पहली देखो दुख देने वाली बात यह है कि जैसा कि आपको पता होगा कि भैया इंडिया का जो कल दूसरा वार्म अप मैच था उसमें एक भी बॉल नहीं हुई, ना टॉस हुआ ना कुछ हुआ, सीधे वो मैच अबेंडन हो गया। और मैच को मात्र आधे से एक घंटे के अंदर ही अबेंडन घोषित कर दिया गया। मतलब असल में उस मैदान पे इतनी ज्यादा बारिश हो रखी थी कि भैया बिल्कुल चुटकियों में पता चल गया कि यहाँ आज मैच तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऊपर से भैया मनूस खबर ये सामने आई कि यही मैदान है जहां पे 23 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला जाना है और बहुत चांसेस है कि उस मैच में भैया कांड हो सकता है। मतलब असल में भैया जिस मोमेंट का इंतजार इतने टाइम से कर रहे थे, साल में जाके एक आध भैया ऐसे मैचेस होते हैं जिसे देखने का भैया मन करता है। और बात सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं है, वर्ल्ड कप में भाई अगर एक भी मैच के साथ ऐसा हुआ ना, खासकर इंडिया के, तो कसम से भैया बहुत गुस्सा आता है। एक तो फोकट के भैया पॉइंट शेयर करने पड़ते हैं जिसकी वजह से पूरा भैया जो टेबल है वो गड़बड़ा जाती है। और ऊपर से भाई मजा आता है क्रिकेट देखने में, उसलिए मेन देखते हैं, पॉइंट से चलो चलता रहेगा, वो मजा ही चला जाता है। मतलब पहले भैया इतनी टीमों के साथ साल भर सीरीज खेलो, किसी से हारो किसी से जीतो, उसके बाद आखिर में जाके जिस चीज के लिए पूरी तैयारी करी है वहां जाके बारिश कर दो। मुझे तो भैया समझ में नहीं आता है, जब वर्ल्ड कप का शेड्यूल बनाया जाता है, जिस देश में वर्ल्ड कप को किया जाता है, कम से कम इतना तो देखो भैया उस वक्त में उस देश में बारिश के क्या हालचाल रहेंगे, बिल्कुल मॉनसून उठा के जाके वर्ल्ड कप कर देते हैं। लास्ट भैया जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था वहां भी यही नाटक चल रहा था, अब देखना अगर यहां नाटक हुआ ना तो कसम भैया सब फोड़ फाड़ देंगे। लेकिन अब भैया तुमको मैं वो बात भी बता देता हूं भैया जिसे सुन के तुम्हारे दिल में एक अलग ही भैया प्राउड फीलिंग आएगी, तुम कहोगे भैया यही तो सुनने के लिए देखते हैं क्रिकेट। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि वो चीज भैया जिसे सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा, वो असल में कही है पोंटिंग ने विराट कोहली के बारे में। पोंटिंग ने कहा कि मैं पिछले बहुत टाइम से देख रहा था, बहुत टाइम से सुन रहा था, जब कोहली का फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे भी चल रहा था, लोग अलग अलग कमेंट कर रहे थे कि भैया कोहली रिटर्न करेंगे या नहीं, कोई कह रहा था भैया कोहली फॉर्म में वापस आएंगे, तो कोई कह रहा था कि भैया कोहली का टाइम खत्म हो चुका है, इसे टीम से बाहर निकालो। लेकिन यहीं पे पोंटिंग कहते हैं कि मैं तो भैया क्लियरली जानता था कि जो विराट कोहली हैं वो तब भी व्हाइट बॉल के सबसे बढ़िया क्रिकेटर थे, और चाहे उनका फॉर्म कैसा भी चल रहा हो, मैं ये भी जानता था कि वो हमेशा व्हाइट बॉल क्रिकेट के एक नंबर प्लेयर रहेंगे। मतलब कुल मिला के एक स्टेटमेंट में पोंटिंग ने क्लियरली स्टेट कर दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं देखा है। और देखो ये पोंटिंग ने कोई पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी जब कोहली का फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था तब पोंटिंग ही थे जो बार बार कह रहे थे कि लोग पता नहीं क्यों विराट कोहली की क्षमता को इग्नोर कर रहे हैं, लोग क्यों नहीं जान रहे कि भाई ये विराट कोहली है, कोई औंगा पौंगा बैट्समैन नहीं है। तो अब देखो भले ही आप पोंटिंग को थोड़ा सा हेट करते हो या फिर आपको किसी वजह से जो पोंटिंग का एटीट्यूड है पास्ट में जो उनका इंडिया के प्रति रहता था वो पसंद नहीं आया था, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन भैया पिछले कुछ टाइम में पोंटिंग जिस तरीके से भैया इंडिया के प्रति लगाव करते रहे हैं वो देख के अच्छा तो लगता है। कुछ लोग कहेंगे भैया कि आईपीएल की वजह से बंदा दिखा रहा है, लेकिन आईपीएल से पहले ही मैंने देखा है पोंटिंग का विराट कोहली को लेके और इंडियन टीम को लेके जो स्वभाव रहा है काफी बदला है जब से वो क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, समय के साथ साथ भैया धीरे धीरे जब आदमी बड़ा होता है थोड़ी सी उसमें मैच्योरिटी आती है, उसको समझ में आता है भैया क्या गलतियां करी थी, क्या सही नहीं किया था, कहां पे थोड़ा सा भैया ज्यादा हो गया था, तो शायद ऐसा हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, जो कि आया भी है। जिस तरीके से भाई उन्होंने दिल्ली पे वर्क किया है, दिल्ली कैपिटल्स के साथ वो काम करे हैं, ऋषभ पंत के ऊपर जिस तरीके से काम करे हैं, कसम से देख के लगता तो है कि भैया कमिटेड तो है अपने काम के प्रति और इंडिया के प्रति उसका एक लगाव तो हो चुका है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पोंटिंग ने भाई हाल ही में कोई विराट कोहली को लेकर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, जब भैया कोहली को इंडिया में बहुत लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बहुत दिग्गज क्रिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तब भी पोंटिंग अकेले थे जो हमेशा उनके फॉर्म में खड़े थे। और अब जब भैया बात आ ही गई है विराट कोहली की, तो मैं ये भी बता देता हूं कि विराट कोहली को लेकर रवि शास्त्री ने भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। रवि शास्त्री ने भैया क्लियर कह दिया है, एकदम क्लियर कह दिया है कि भैया जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया जाके खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्राउड के सामने खेलते हैं ना, तो भैया उनके खेलने का जो लेवल होता है वो अलग ही होता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड होता है वो थोड़ा सा उनको चैलेंज करता है और विराट कोहली को भैया चैलेंज पसंद है। हाँ ठीक, वैसे ही जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे ही विराट कोहली को चैलेंज पसंद है। और देखो भाई इतिहास गवा रहा है, जब जब विराट कोहली को चैलेंज किया गया है ना, तो विराट कोहली का स्वभाव कह लें, उनके खेलने का तरीका कह लें, सब कुछ भैया 10 गुना बढ़ जाता है। और देखो मैं जानता हूं कि बहुत लोग इंडिया के लिए एक्सपेक्टर सूर्य कुमार यादव को बता रहे हैं, हार्दिक पांड्या को बता रहे हैं, शामी को बता रहे हैं, जो कि सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक बात मेरी लिख के रख लो
कि विराट कोहली का चलना जितना जरूरी है ना, शायद उतना चलना किसी और का जरूरी नहीं होगा। चलना सबका जरूरी है, लेकिन विराट कोहली का फेलियर पूरे तरीके से टीम को भैया नीचे ले आता है, ये हमने बहुत बार देखा है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग को क्या लगता है कि असल में विराट कोहली का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है T20 वर्ल्ड कप में, या फिर आपको लगता है कि इस बार और प्लेयरों का ज्यादा यहाँ पे रोल रहेगा, विराट कोहली का कम रहेगा? जो भी आपको लगता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन अब भैया ना, मैं तुम्हें आज की वीडियो की सबसे कमाल की बात बताता हूँ, जिसे सुनकर तो तुम कसम से भाई पगला ही जाओगे। क्योंकि देखो, हमने हाल ही में देखा है कि कुछ क्रिकेटर इंडिया को लेकर यह कह रहे हैं कि इंडिया भैया सेमीफाइनल में जा सकती है, इंडिया मजबूत दावेदार है, ये प्लेयर इंडिया को जिताएगा, ये बॉलर इंडिया को जिताएगा। लेकिन सुरेश रैना ने तो भैया नेक्स्ट लेवल बात कर दी है। सुरेश रैना ने क्लियरली कह दिया है कि जो इंडिया का पहला मैच होना है पाकिस्तान से, अगर उसमें इंडिया पाकिस्तान को हरा देता है तो समझ लो इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा। मतलब इतना भारी और बोल्ड स्टेटमेंट सुरेश रैना ने दिया है कि भैया सिर्फ पाकिस्तान को हरा दो तुम वर्ल्ड कप जीत जाओगे। या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपने पाकिस्तान को हरा दिया फिर आप वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो, कहीं ना कहीं आपने हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत लिया है। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, उन्होंने सच में यह कहा है कि अगर पाकिस्तान को हरा दिया तो फिर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो, मैं इस बात पे भैया ज्यादा बहस नहीं करूंगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है क्या लॉजिक नहीं है। भाई जो बात कही है सुनने में अच्छी लग रही है और अपने को पूरा भरोसा है उनकी बात पे, हम पूरे तरीके से एग्री करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि भैया पाकिस्तान को हराए, सबको हराए, इंडिया बस वर्ल्ड कप जीत जाए, हम तो बस यही चाहते हैं। पर हाँ, पाकिस्तान को भी हरा दे ये भी चाहते हैं। बस ये जो मैंने कहा ना, बारिश वाला नाटक चल रहा है भाई, ये ना हो। जो भी हो, मैं कह रहा हूं पूरे वर्ल्ड कप में एक भी बॉल भाई कम नहीं होनी चाहिए, हम तो बस सबसे पहले ये चाहते हैं। बाकी चाहते तो भैया आपका जवाब भी है इस बात पे कि क्या आपको भी लगता है कि विराट कोहली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे T20 वर्ल्ड कप में, या फिर इस वर्ल्ड कप में और वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में उनका उतना बड़ा रोल नहीं होगा। जो भी आप सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना, जो भी ये वीडियो देख रहा है। बाकी अपन अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है चौधरी लोकेश थोरी, जो पूछते हैं भाई आप मुझे ये बताओ कि आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा जब हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। फुल कॉन्फिडेंस है भाई कि T20 वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे, मेरा आंसर तो भाई KL राहुल होंगे। तो भाई सबसे पहले तो मुझे आपका कॉन्फिडेंस देखकर कसम से मजा आ गया, अपन सबको भैया यही कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और दूसरी बात जहां रही मैन ऑफ द सीरीज की भैया, कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, जो कि जीतेगी मुझे लगता है, बहुत ज्यादा भैया नहीं बोलना चाहिए, मतलब अगर जीत जाती है, चलो कहते हैं थोड़ा सा भैया डिसेंट रहते हैं, अगर जीत जाती है तो कौन मैन ऑफ द सीरीज बनेगा? तो बात सही कह रहे हैं भैया कि KL राहुल की बनने की चांसेस है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव बन सकते हैं, क्योंकि उस बंदे को भैया कहीं ना कहीं आधी बॉल लगती है बहुत ज्यादा रन मारने के लिए और कंसिस्टेंसी एकदम पीक पे चल रही है और उनकी बैटिंग भी ठीक ठाक आ जाती है। उनके साथ ये केस नहीं है कि वह चौथे नंबर पे आ रहे, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ही टाइम चाहिए, बंदा 50-60 रन मार देगा। और उसके ऊपर से एक और नाम जो मुझे लगता है मैन ऑफ द सीरीज बन सकते हैं वो है हार्दिक पांड्या, क्योंकि भैया बंदा ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी खासी उनको मिलेगी ही, बॉलिंग मुझे लगता है जिस तरीके से चल रही है 2-3-4 ओवर उनको डालने को मिलेंगे, अगर थोड़ा ठीक ठाक भी उन्होंने वहां पे काम कर दिया ना तो वो भी मैन ऑफ द सीरीज बन सकते हैं। बाकी वैसे ये सवाल भी बहुत कमाल का है, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग को क्या लगता है कि कौन वो प्लेयर होगा जो वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बनेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भैया बिल्कुल ही वेट ना करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी की जोशी का, वहां पे जाना है, सवाल DM करना है, जो सवाल हम अपने आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। और उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और अगर अभी तक आपने भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।